वेलकम टू आई ब्लॉग। और दोस्तों हम जा रहे हैं नैनीताल, ये रही हमारी गाड़ी और हम निकल रहे हैं नैनीताल के लिए। आपको वहाँ का दिखाएंगे क्या हम कर रहे हैं, कैसे घूम रहे हैं, कहाँ घूम रहे हैं, सारा एंजॉयमेंट आपको ब्लॉग में देखने को मिलेगा। लास्ट तक बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारी टीम है अनिशु भैया गाड़ी के अंदर हैं और हम सब लोग जा रहे हैं नैनीताल। दोस्तों हम लोग हल्द्वानी आ चुके हैं और अभी नैनीताल काफ़ी दूर है। थोड़ी देर गाड़ी को रोक लिया क्योंकि काफ़ी देर से ट्रैवल कर रहे थे। फाइनली गाइस नैनीताल आ चुके हैं। आ चुके हैं नैनीताल और अभी गाड़ी को रोका है हमने, काफ़ी देर से ट्रैवल कर रहे थे, थक चुके थे। चलिए, पहाड़ों पे बहुत मज़ा आ रहा है और यहाँ पे जो है हल्की हल्की ठंड सी भी महसूस हो रही है। जो यहाँ पे जो ये व्यू है ये कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा है क्योंकि यहाँ पे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, बट ये व्यू जो है वो एकदम लाजवाब है, बहुत मज़ा आ रहा है। वैसे काफ़ी ऊपर आ चुके हैं, ये ऊपर जो है वो पहाड़ दिख रहा है, बाकी हमारी बटरफ्लाई वो खड़ी है। दोस्तों हम आ चुके हैं होटल पे और सभी लोग अब रेस्ट करेंगे। ये नितिन भैया हैं, ये सब लोग इधर लेटे हैं। फिलहाल मैं अभी इधर लेटा हूँ, मैं भी उस बेड पे लेटूंगा जाके। तो यहाँ पे जो मौसम है वो बहुत अच्छा है, काफी ठंडा लग रहा है, मजा भी आ रहा है। और हाँ, आप लोग आएंगे तो आप लोगों को एक तकलीफ महसूस होगी, मुझे भी हुई है, कान जो है वो बंद हो जाते हैं यहाँ पे आके। मुझे लगा आप लोगों को लगेगा या नहीं लगेगा ये आप लोग यहाँ पे जब आएंगे तो पता लग जाएगा। मेरे तो जो मैं पहाड़ पे चढ़ रहा था, गाड़ी भैया चला रहे थे, तो मेरे सबके मतलब जितने भी लोग गाड़ी में थे सबके कान बंद हो चुके थे, सुनाई नहीं दे रहा था किसी को, सही से सुनाई दे रहा था, हल्का दे रहा था। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, ज़्यादा डरे ना, ये सबके साथ हो रहा है। और बाकी यहाँ पे आने के बाद मतलब पंखे की ज़रूरत नहीं है, एसी की ज़रूरत नहीं है, किसी चीज़ की ज़रूरत है नहीं, बहुत ही अच्छा है। मतलब मौसम जो है वो वाकई में लाजवाब है, लोकेशन भी काफ़ी अच्छी है, घूमने वाली जगह भी है। आप लोग जब आएँ तो कोई गर्म कपड़ा ज़रूर लेके आए, जैसे अभी मैं हाफ पहना हूँ तो मुझे हल्का हल्का ठंडा फील हो रहा है, लेकिन कंबल रखा है मेरे पास। नितिन भैया मज़ा दिखाएंगे। देखिए हम आ गए नैनीताल। तो जोर तो बोलो करो कोई ना। ये डायरेक्टर सर हमारे, देखिए। हेलो नमस्कार। कितने जर्नल जे देखो कैसे रेट कैसे लग नहीं आ रहे, ये कैसे रेट है। और तुम्हें दिखाऊं मैं फिल्म में एक्टर हीरो कैसी लेती। जे हीरो हीरो साहब इनका अलग तो सुबह घूमेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे कौन कौन सी लोकेशन पे हम जा रहे हैं। आप सवेरे जो है निकले हैं बागेश्वर धाम कहाँ चले सवेरे
सवेरे कहाँ चले जाता जम्मू से गया हूँ तू सवेरे बताओ कहाँ चले सवेरे चले करके हिमालय का सफर हिमालय उत्तराखंड की पहाड़ियों में ईसा लागे कीसा लागे दंदन में आगे आएंगे हम सुबह कहाँ जाएंगे नहीं जी गुड मॉर्निंग गाइज हम सब लोग उठ चुके हैं अब फ्रेश होंगे नहाएंगे धोएंगे उसके बाद घूमने निकलेंगे यहाँ पे ठंड बहुत हो रही है नहाने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा कोई नहाने के लिए जा ही नहीं रहा है पानी बहुत ठंडा है बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है कंबल ओढ़ रखा है हमने तो पूरी रात कंबल ही ओढ़ के रहे हैं धीरे धीरे एक एक करके सब जाएंगे नहाने बाथरूम में मैं भी उठ रहा हूँ और इसके बाद हम लोग घूमने निकलेंगे बिल्कुल तैयार होके फिट होके जहाँ घूमेंगे वो लोकेशन हम आपको दिखाएंगे सही है चलिए मिलते हैं आगे चेकआउट कर चुके हैं हम और अब हम जा रहे हैं घूमने सारे लोग बाहर हैं तो ये रही हमारी टीम और अब हम निकलेंगे घूमने के लिए हम निकलेंगे नैनी झील नैनी झील जा रहे हैं तो सारा सामान गाड़ी में रख दिया है और अब हम बिल्कुल फ्री हो चुके हैं क्योंकि बैग वैग जो थे उनसे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी चलने में बाकी हमारा DSLR हमारे पास है तो फोटो वोटो क्लिक करेंगे और अब निकलेंगे घूमने के लिए अब आ चुके हैं नैनी झील में और फुल एंजॉय कर रहे हैं भैया हमारे साथ में हैं बाकी तीन लोग उस वाले बोट में हैं ज़्यादा लोग बैठ नहीं सकते बोट में ज़्यादा अलाउ नहीं है ना अलाउ नहीं है तीन ही लोग अलाउ हैं तो हम लोग यहाँ पे मैनेज हो गए यहाँ से तो घूम लिए ये वाला जो व्यू था यहाँ पे जो पॉइंट था ये घूम लिया अब हम अगले पॉइंट पे जाएंगे काफ़ी मज़ा आया है सब लोगों ने एंजॉय भी करा है बाकी राहुल सर वो हैं और नितिन भैया और निशु भैया भी वहाँ पे हैं वो लोग भी उतर रहे हैं अच्छे हो रहे हैं फोटोशूट नितिन करवा रहा है फोटोशूट राहुल सर तो शूट कर रहे हैं निशु भैया पेंडिंग में खड़े हैं उसके बाद मैं भी शूट कराऊँगा क्योंकि लोकेशन बहुत 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 अच्छी है कि फ़ोन के कैमरे में शायद ये व्यू दिख ही नहीं रहा धूप की वजह से बाकी बहुत ही प्यारा व्यू है वाले नितिन भैया छा गए आज गिर मत जाइयो दीदी पॉइंट्स घूमने के लिए तब तक वो पंचर हो गई हो गया पॉपट सब लोग वेट कर रहे हैं कब ये पंचर जुड़ेगा उसके बाद फिर घुमाएंगे ये भैया लगे तो हैं काफ़ी मेहनत से निकले ही थे तब तक रास्ते में पंचर हो गए अच्छा रहा कि ऊपर पंचर नहीं हुई है यहीं पे पंचर हुई है अब भैया जोड़ लें उसके बाद से निकलते हैं ऊपर 11 पॉइंट घुमाएंगे ये चलिए घूमेंगे सब ब्लॉग बनाएंगे उसका ठीक है हेलो दोस्तों हम आप लोगों को एक ऐसी गुफा दिखाने जा रहे हैं जहाँ पे जितनी तेज़ धूप पड़ रही है उतनी ही अच्छी ठंडी हवा वहाँ से आती है उसी गुफा पे हम जा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं आ रहा थोड़ा चढ़ने में थोड़ा दिक्कत होगी लेकिन राहुल सर चढ़ के आ रहे हैं चढ़ने में थोड़ी दिक्कत हो रही है क्योंकि पत्थर जो है वो बहुत स्लिप हो रहे हैं अंदर से ठंडी होती है बहुत ज्यादा ठंडी हो रही है देखो बैठे बैठे ये देखो नितिन ठंडी हवा आ रही है एसी बिल्कुल कहाँ से आ रही है अंदर से आ रही है ठंडी आ रही है विनीत इधर देखो मजा आ रहा है हैं इधर देखो आगे बढ़ के देखो मेरे
एसी गुफा से आती है ठंडी हवा, उसको बोलते हैं एसी गुफा। ठंडी हवा आ रही थी कि दो मिनट वहां पे बैठे तो ऐसा लग रहा था जैसे जैकेट पहन ले। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, लोकेशन है बढ़िया है, दमदार है। तैयार हो रहा है, मिठा खाने के बाद फिर हम चलेंगे अगली लोकेशन। एसी की हवा भुंटा, ठंडी ठंडी पहाड़ी पे ठंडी ठंडी हवा में भुंटा खाने का जो मजा है वो बेहतरीन। ये है जीरो पॉइंट, ये है मंदिर। यहाँ पे जो खाना शूट हुआ था नैनीताल वाला, वो इस मंदिर में शूट हुआ था। तो अब हम इस मंदिर में चलेंगे, दर्शन करेंगे। इसी मंदिर में हुई थी शूटिंग उस गाने की। ये व्यू है इसके पीछे का, जो व्यू आ रहा है वो ये। सत्यनारायण, चलिए जूते हाथ दे। व्यू अच्छा है, फोटो शूट हो रहे हैं। व्यू तो वाकई में लाजवाब है, लेकिन कैमरे में थोड़ा आ नहीं रहा है क्योंकि मौसम यहाँ पे थोड़ा चेंज है ना, इसलिए दिक्कत हो रही है कैमरे में। मोबाइल करो तो चला, मोबाइल वाले में नहीं जीरो पॉइंट। ये जीरो पॉइंट है, ये सत्यनारायण का जो मंदिर है ये बहुत कम देखने को मिलता है। ये देखा अभी हम लोगों ने, देखिए नज़ारा कितना सुंदर है। हिमालय पर्वत यहाँ से जो है हिमालय दिखता है, हिमालय की नज़ारा है। पहाड़ों से नैनीताल का व्यू है ये। बहुत अच्छा पॉइंट दिखा है, तो गाड़ी रोक ली है वहाँ पे, अब चलेंगे उस पॉइंट पे। यहाँ से भी व्यू काफ़ी अच्छा आ रहा है। चलो ये व्यू बहुत अच्छा आ रहा है यहाँ पे, बहुत बेहतरीन व्यू आ रहा है पीछे का सारा। भैया बना लो नैनीताल का ब्लॉग समाप्त। सभी लोग प्यार देना, आशीर्वाद देना, साथ देना, सपोर्ट देना। ये रही हमारी गाड़ी, बाय।